तिमोथियुस के पत्र 4 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर की और प्रभु यीशु की उपस्थिति में यह अत्यधिक पावन आदेश है जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर। प्रभु यीशु का प्रकट होना और उसका राज्य एक ही बात नहीं है, उसका प्रकट होना कलीसिया का उठाया जाना है और उसका राज्य पृथ्वी पर उसका राज्य स्थापित करने के लिए पुनः आगमन है। वह दो बार न्याय करेगा, एक बार तब जब वह अपनों को संसार से उठाएगा, दूसरा जब महाक्लेश में अर्थात महासताव के समय में मनुष्य उसे स्वीकार करेगा। हम विश्वासी एक न एक दिन उसके समक्ष उपस्थित होंगे, हमारे जीवन प्रतिफल के लिए परखे जाएंगे। पौलुस कह रहा है, तिमोथियुस, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि तुझे अपने जीवन के न्याय के लिए उसके सामने खड़ा होना है, तू इन बातों को कर। मेरे प्रियो, आज यह हम सब के लिए भी है कि हमें उसके सामने खड़ा होना है और हमें उन बातों को करना है। ये निर्देश हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब पौलुस उन्हें तिमोथियुस को दे रहा था। परमेश्वर इस समय हमसे भी यही कहता है कि हम भी उस निर्देश का पालन करें। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ध्यान दीजिए, वचन का प्रचार कर, किसका? सुसमाचार का प्रचार कर, अर्थात सुसमाचार सुना। यह वाक्यांश एक प्रकार से एक नारा है जिस पर लोगों का ध्यान जाता है। यह आज का हमारा भी नारा है, वचन का प्रचार कर, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें स्वयं कहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और यहाँ पर पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि वचन का प्रचार कर। आगे कहता है, समय और असमय तैयार रह। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि हमें किसी भी समय प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। यदि कोई सुबह 2 बजे नींद से जाग जाए तो हमें उसे वचन सुनाना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वह यह नहीं कह रहा है कि हम बाइबल के बारे में प्रचार करें। सेमिनरी में अर्थात बाइबल कॉलेज में मेरा एक मित्र था जो कभी कभी बड़ी ही उत्तम बात कहता था। एक दिन उसने कहा, आप इस बाइबल अध्ययन सेमिनरी में से स्नातक होकर या बनकर निकल जाएं, परंतु आपके पास बाइबल कभी ना हो। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि हम बाइबल के बारे में पढ़ते हैं परंतु बाइबल से बहुत कम पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, वचन का प्रचार कर, उसकी चर्चा मात्र ही मत कर, परंतु उसकी गंभीरता को, उसके भीतर की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन की समझ को दूसरों तक पहुंचा। मित्रों, यहाँ एक और गुण बात है। पौलुस यह नहीं कहता है कि वह वचन से प्रचार करे, अर्थात उसका कहना यह नहीं है कि बाइबल का एक पद लेकर उस पर उपदेश तैयार करे। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, एक पद एक बहाना है जो अपने संदर्भ से अलग किया गया है। हमें न तो परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार करना है और न ही परमेश्वर के वचन से प्रचार करना है, परंतु परमेश्वर के वचन का ही प्रचार करना है। मेरे प्रियो, पौलुस आगे कहता है तिमोथियुस से, तैयार रह।
अर्थात देरी न कर, तत्पर रह, ये हमारे लिए अनिवार्य है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहना है, समय और असमय, दिन हो या रात, किसी भी समय, किसी भी या सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहना है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में मूसा कहता है कि अपने बच्चों को, नाती पोतों को उठते, बैठते, चलते फिरते, सोते, जागते सब समय परमेश्वर की बातों को उन्हें बताया कर। जी हाँ, आज हमारे लिए भी यही बात है कि हम समय और असमय परमेश्वर के वचन को बताने के लिए तैयार रहें। आज हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसका कारण यही है कि हम स्वयं परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हम सीखें, हम जानें, हम पढ़ें, उसके बाद दूसरों को हम बता सकते हैं। पौलुस कहता है कि उन्हें उल्हाना दे, एक विश्वासी के साथ ऐसा करना है, डांट अर्थात उसे धमकी दे, उसे बता कि उसने क्या गलत किया है, उसे सचेत कर। एक अति उत्तम पासवान या पादरी का, प्रचारक का यही काम था। वह कहता था कि यदि उसका सहयोगी, प्रभु का दास काम ना करे तो वह उन्हें समिति में शामिल ना करे। ऐसा साहस सब में नहीं होता है, और इसीलिए पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को बांटता है, सही शिक्षा देता है और उसके समय पर डांट भी लगाता है, ऐसे लोगों को ही आगे आना है, अर्थात साहस के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। तब वह आगे कहता है कि समझा, सांत्वना देना। ऐसा समय भी आता है जब विश्वासियों को सांत्वना देने की आवश्यकता होती है। यह भी लिखा है, सब प्रकार की सहनशीलता। मेरे प्रियो, हम जब जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हमें सहनशीलता की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। शिक्षा प्रत्येक पादरी या परमेश्वर के सेवा में लगे हुए लोगों के लिए है कि वे परमेश्वर की वचन की शिक्षा दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। शिक्षा प्रत्येक पादरी या प्रचारक की सेवा में देना, अर्थात शिक्षा देना, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मेरे प्रियो, आज हम में से प्रत्येक जो एक विश्वासी हैं, इसके साथ साथ परमेश्वर के दास और दासियां हैं। हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने बच्चों और अन्य लोगों को दें। यह सब परमेश्वर के वचन के प्रचार के विषय में ही है, ताकि हम और अधिक सीख सकें। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 4:3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा समय आएगा कि वे लोग खरा उपदेश न सुन सकेंगे, अर्थात वे सुनना पसंद नहीं करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या हमारा आज का समाज इस स्थान पर आ गया है। यद्यपि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा सुनने वालों की संख्या देखकर अचंभा करते हैं, हम चकित होते हैं, जो जनसंख्या की तुलना में नगण्य है। बहुत ही कम विश्वासी वचन की शिक्षा को सहन कर पाते हैं, वे सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें वास्तव में क्या चाहिए? आप यदि संसार की बातों को उनके सामने में रखें तो वहां पर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी, परंतु आप उन्हें कहें कि आज हम बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सिर्फ एक या दो लोग बैठे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को, खरा उपदेश को सुन और सह नहीं सकेंगे।
मेरे प्रियो, लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। डॉक्टर मार्विन आर विंसेंट ने कहा है, वे असंख्य शिक्षकों को एकत्र करेंगे विश्वास की अस्थिरता में, संशय की दशा में और मात्र जिज्ञासापूर्ण कल्पना के समय धर्म के शिक्षक मिस्र की मक्खियों के समान जमा हो जाते हैं। मांग के अनुसार आपूर्ति होती है। श्रोता अपने ही प्रचारकों को आमंत्रित करके संवारते हैं। यदि उन्हें दंडवत के लिए या पूजा के लिए किसी जानवर की आवश्यकता पड़ती है बलि चढ़ाने के लिए, तो वे किसी भी प्रकार के पशु को रूप देने के लिए एक पादरी वहां पर तैयार है। मेरे प्रियो, यह निश्चय ही आज सच है। किसी ने कहा है कि आज का प्रचार मंच वही गूंज करता है जो श्रोता सुनना चाहते हैं। आज बहुत से झूठे शिक्षक मंच पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन नहीं परंतु अपनी ही बातों को सुनाते हैं। लिखा है, कानों की खुजली के कारण। एक बार फिर मैं डॉक्टर विंसेंट का उदाहरण लेना चाहता हूं या उद्धरण आपको सुनाता हूं। सिकंदरिया का क्लेमेंट कहता है कि कुछ शिक्षक खुजली करने वालों के कानों को खुजलाते और गुदगुदाते हैं, परंतु मानवीय रीति से नहीं। सेनेका कहता है, कुछ लोग सुनने आते हैं सीखने नहीं। जैसे हम सिनेमा हॉल में मनोरंजन के लिए जाते हैं कि सिनेमा देखकर अपने कानों की खुजली मिटाएं। मेरे प्रियो, आज का चित्रण कैसा अद्भुत है। किसी ने कहा है, कुछ लोग आंख बंद करने और कुछ लोग कपड़ों पर आंख गड़ाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते हैं, वे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें वचन का विकल्प चाहिए, बहाना चाहिए। वे उन बातों को देखने और सुनने के लिए जाते हैं जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। डॉक्टर वेरेन वी अर्शब ने कहा है, उन्हें मसीही कलाकारों से कानों की खुजली मिटाने वाला मनोरंजन चाहिए। मेरे प्रियो, आज की कलिसियाओं में नयापन होना चाहिए। भावात्मक चलचित्र, नाटक, नृत्य, संगीत, रंगीन बत्तियां आदि। बाइबल खोलने वाला मनुष्य अस्वीकार्य है, जबकि धर्म का मनोरंजन प्रदान करने वाला सतही मनुष्य नाम कमाता है। पद चार से प्रकट होता है कि खुजलाने वाले कान शीघ्र ही बहरे हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य सत्य से भटक जाएगा और मनुष्य द्वारा गढ़ी हुई कथाओं को वह स्वीकार करेगा, जैसा कि आज हम देखते जा रहे हैं। यह एक अति उत्तम कथन है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियुस की पत्री उसके चार अध्याय के चार पद को पढ़ें। लिखा है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। उन्हें कोई नई बात चाहिए जिससे उनका मनोरंजन हो। यदि कोई व्यक्ति नई बातें बताता है तो उससे सुनने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन की सत्यता को बताते हैं तो वे टाल मटोल करते हैं। मुझे एक पादरी साहब ने, अर्थात एक परमेश्वर के दास ने, बड़ी अच्छी बात बताई। मसीही जन प्रभु यीशु की अपेक्षा ख्रिस्त विरोधी में अधिक रुचि रखते हैं। यही कारण है कि वे प्रकाशित वाक्य से बाइबल अध्ययन के लिए भीड़ लगा देते हैं और रोमियो की पत्री के अध्ययन में सभा भवन खाली रहता है। मेरे मित्रों, बहुत लोगों के कानों में खुजली होती है। वे इन विचित्र असामान्य बातों को सुनना चाहते हैं, वे परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, वे मनोरंजन चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम सुनना आरंभ किया था तब उन्हें मेरे उच्चारण तो अच्छे लगते नहीं थे, साथ ही साथ जो मैं सिखाता था वह भी अच्छा नहीं लगता था। वे मुझे पांव से कुचलने का दोष देते थे।
मैं नहीं परमेश्वर का वचन ऐसा करता था, क्योंकि मैं तो केवल वचन का प्रचार करता था। परंतु सुनते रहने के बाद उन्होंने देखा कि परमेश्वर का वचन भला है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन लोगों से पत्र प्राप्त नहीं करता हूं जो मुझे सुनते ही रेडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहा है, अर्थात वे सुनना नहीं चाहते हैं, वे मनोरंजन चाहते हैं। यदि मेरा कार्यक्रम रेडियो में आ रहा है तो वे अपने मीटर को बदल देते हैं, मनोरंजन के गीतों को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। मेरे मित्र, आइए आज हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करें कि आज हम किस दुनिया में हैं। क्या आज हम परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लाने का यत्न कर रहे हैं, या हम संसार में खोते चले जा रहे हैं? दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:5 में पौलुस कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। उस समय प्रचारक का काम आज का सा नहीं था। पौलुस के युग में प्रचारक भ्रमणशील शिक्षक थे। पौलुस ऐसा ही एक प्रचारक था। अब वह तीमुथियुस से भी कहता है कि सुसमाचार का प्रचार कर, अर्थात सुसमाचार प्रचार का काम कर। पौलुस के साथ रहकर वह भी यही काम करता था, क्योंकि उसने भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में चख लिया था। पौलुस कहता है दुख उठा। उसने तीमुथियुस को चेतावनी दी कि अंतिम दिनों में वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के कारण दुख उठाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस मरण शय्या से अपनी गवाही देता है। यह धर्मशास्त्र का एक महान गद्यांश है जो पौलुस का अपना शोक गीत है, और इसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमने तीमुथियुस की पत्री से इस बात को सीख लिया है। हमने जान लिया है कि कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, परंतु वे अपने मन के अनुसार, अपने कान के खुजली के अनुसार वचन सुनना चाहते हैं, और इसके विपरीत लोग वचन सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें स्वयं से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसमें से सीखने और परखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें।